अगर मोमिनीन आपस में लड़ पड़े तो उनका तमाशा नहीं करना है और उनकी नजार उनकी झगड़ों से फायदा भी नहीं उठाना है बल्कि उनके दरमियान सुलह करना है। وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا अगर दो फरीक आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह किया करो, ये तुम्हारे भाई है। इल्ला अगर कोई ऐसा है कि बिल्कुल तजावज करता है और सुलह के बाद भी ज्यादती करता है तो तुम फिर उन मजलूम का साथ देकर जो जा रहे हैं उसका मुकाबला कर ले। लेकिन फैसला यही दिया है कि इन्नमल मुअमिनून इख्वतुन फअस्लिहु बैन अख़वैकुम, मोमिन तो भाई भाई हैं उनके दरमियान सुलह किया करो। इसलिए ये भी हमारे कल्चर और तहजीब के लिए जरूरी काम है, ये जरूरी नहीं है कि हर मसले में हमारे मुसलमान अदालतों में पहुंच जाए और हर मसले में मसला सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए। बहुत सारे ऐसे मसाइल हमारे यहाँ हैं कि अगर हमारे मुसलमान उनमें सुलह की कोशिश कर ले, सालिसी इख्तियार कर ले तो बड़े आसानी के साथ छोटे छोटे मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। तो इसका साफ पैगाम ये है कि अगर मेरे और मेरे भाई का झगड़ा हो जाए और आप मेरा पड़ोसी है तो एक मोमिन और मुसलमान की हैसियत से आपने तमाशाई नहीं बनना है बल्कि हमारे दरमियान आकर सुलह भी करना है और इस्लाह करना है। और सुलह करना, इस्लाह करना, जर्गे के जरिए मसाइल हल करना, ये शरीयत का हिस्सा है, ये दीन का हिस्सा है। इसलिए सूरह अल-फजरात जो हमें एक ऐसा कल्चर एक ऐसा तहजीब की तरफ ले जा रहा है जिसमें बात बात पर अदालतों के दरवाजे पे हाजिर होना और अदालत की जंजीर खींचने की जरूरत ही न पड़े। मुआशरे के एल्डर की जिम्मेदारी है, भाइयों की ये जिम्मेदारी है कि मुआशरे के दरमियान सुलह को परवान चढ़ा दे। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, इसी सूरह अल-फजरात में अल्लाह ताला ने आप लोगों को हिदायत दी है कि ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम। यानी मैं कल्चर की बात करता हूँ कि सूरह अल-फजरात हमें एक ऐसा खूबसूरत कल्चर देता है कि ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम, एक कौम दूसरे कौम का मिजाज भी न उड़ाए रंग की वजह से, नस्ल की वजह से, बेइल्मी की वजह से, जहालत की वजह से, गुर्बत की वजह से। मुमकिन है कि जिसके आप मिजाक उड़ाते हैं वो आपसे बेहतर हो। इस तरह खुसूसी तौर पर ख्वातीन को भी खिताब किया है कि वला निसान मिन नसाइन आसा यकुन खैरम मिन कुन्ना, न ख्वातीन दूसरे ख्वातीन का मिजाक उड़ाए, मुमकिन है कि तुम में से बेहतर हो। मेरे दोस्तों, यह हमें दर्श देता है कि कोई भी आदमी खराब नहीं है जब तक उसको उसकी सबूत न मिले। हमारी और ईसाइयों के दरमियान फर्क यह है कि उसके यहाँ हर आदमी मुजरम है जब तक वो अपने आप को पाक साबित ना करे। हमारे यहाँ हर आदमी साफ है, हर आदमी मासूम है जब तक वो गंदा अपने आप को साबित ना कर ले। कुरान ने इसलिए दर्श दिया है कि ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा यकून खैरम मिनहुम वला निसान मिन निसान असा यकून खैरम मिनहुम وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، बुरे अलकाब से भी एक दूसरे को याद ना करो। और ये जो नाम दिए जाते हैं किसी को जलील करने के लिए, आपको बहुत सारे नाम ऐसे याद होंगे कि किसी को लंगड़ा कहना, किसी को अंधा कहना, किसी को काला कहना, किसी को ऐसे नाम से याद करना जिसमें उनकी वकार और इज्जत को टेस पहुंचता हूँ। शरीयत ने, कुरान ने हमें इससे मना किया है, इसलिए एहतराम के साथ नाम याद करना चाहिए। देखिए, ये जो हम कहते हैं कि उमर फारूक नाम, ये फारूक का लकब किसने दिया था? अबू बकर सदीक, ये लकब किसने दिया था? आयशा सदीका, ये लकब किसने दिया था? खालिद सैफुल्ला, ये लकब किसने दिया था? अली मुर्तदा करम अल्लाह वजह, ये लकब किसने दिया था? ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक कल्चर डेवलप किया है कि लोगों को इज्जत के नाम के साथ, कोई सिफत के नाम के साथ याद करना, हमारे माशरे में ये नहीं है। बहुत अच्छा नाम है अब्दुल रहमान,
आम माशरे में अगर वो गरीब है तो लोग कहते हैं रहमाने का कहाँ गया, रहमाने ने ये बात की। मेरे दोस्तों शरीयत ने हमें इससे मना किया है, शरीयत इसकी मुखालिफत करता है। एक अच्छी सोसाइटी की तामीर की तरफ हमें शरीयत बुलाता है। इन्हें हमारा दीन जो है सिर्फ नमाजों का नाम नहीं है, एक मॉडल सोसाइटी की तरफ, एक आइडियल सोसाइटी की तरफ, एक खूबसूरत सोसाइटी की तरफ, जिसमें अगर आदमी भूखा भी हो तो इज्जत के साथ भूखा और उसको उसकी अना की तस्कीन हो। इस तरह इस सूरह अल-फजरात में अल्लाह ने हमें गैबत से मना किया है, और गैबत के बारे में तो कहा गया है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ये जिना से ज्यादा सख्त काम है। अल-गीबत अशद्द मिन अज़-ज़िना, गीबत जिना से भी ज्यादा। और कुरान ने ऐसे अजीब अंदाज में आपको मुखातिब किया है कि अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीही मैतन फकरहतुमूह, क्या तुम ये चाहते हो कि अपनी मुर्दा भाई का गोश्त खा लो। लेकिन हमारे हम गीबत करना कितना आम है और गीबत सुनने में कितना मजा है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलाम जिस माशरे को तरतीब देना चाहते थे, फरमाया उसने कि ला युबल्लिग अहदुकुम इन्नी अहब्बु ला युबल्लिग अहदुकुम मिन अस्हाबी शेया इन्नी अहब्बु अहदुकुम अय, मैं मेरे सहाबा इकराम के बारे में मुझे कोई गलत इत्तला ना पहुंचाओ। ला युबल्लिग अहदुकुम इन्नी لَا يُبَلِّغَ أَحَدُكُمْ مِنْ أَصْحَابِ شَيْئًا إِنِّي أَحَبُّ إِلَيْكُمْ أَنْ أُخْرِجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمٌ إِنِّي أَحَبُّ أَنْ أُخْرِجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمٌ, میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے ملوں آپ سے ملوں اور میرا دل بالکل پاک ہو۔ اس لیے ایک کے بارے میں دوسرے کو بتانا, دوسرے کے بارے میں تیسرے کو بتانا, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر, میں اس دوست سے پناہ مانگتا ہوں, اللہ کا پناہ مانگتا ہوں, خلیل ماکر دوست سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیا کون سے دوست سے؟ یعنی یہودی کی بات نہیں ہے, عیسائی کی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دوستوں کی اس دوست سے پناہ مانگتا ہوں کہ ان رآ سیئتا, کہ جب وہ میرے اندر کوئی خرابی دیکھتا ہے اب شاہ اس کو پلاتا ہے, وہ اندرا حسرتا جب وہ میرے اندر کوئی اچھائی دیکھتا ہے اخفاہ تو اس کو دباتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرے فلاں آدمی کے اندر یہ خوبی ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں, اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ غیبت نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کے اندر حسن دیکھنا چاہیے, لوگوں کے اندر اچھائی تلاش کرنا چاہیے اور لوگوں کے اندر خوبیاں دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک وسیع القلب اور وسیع النظر انسان کا کام ہے۔ جب آپ لوگوں کے کوتاہیوں کے پیچھے لگیں گے تو اپنے کو بھی ذلیل کریں گے اور وہ بھی ذلیل ہوگا۔ تو کیا کسی کو ذلیل کرنا, کسی کو رسوا کرنا, کسی کو بدنام کرنا, اس میں تو نہ دل کی سکون اور قرار انسان کو ملتا ہے نہ کوئی مالی منفعت انسان کو ملتی ہے۔ اسلام ایک ایسی سوسائٹی کو تعمیر کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیو, اس طرح اللہ نے یہ فرمایا ہے سورہ الفجرات میں کہ میں نے آپ کو قبائل میں پیدا کیا ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, میں نے آپ کو قبیلوں میں بانٹ دیا ہے, تقسیم کیا ہے اور اٹھایا ہے, کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کا پہچان ہو جائے۔ لیکن بہتر وہی ہوگا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, جو تم میں سے تقویٰ والے ہو بہتر وہ ہے۔ کوئی آدمی سید ہو, کوئی آخن زادہ ہو, کوئی زرزادہ ہو, کوئی نوازادہ ہو,